हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर में कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड 165 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। टॉपिक है हमारा HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जांपल ऑफ HTML एडिटर इज। HTML एडिटर का इनमें से कौन सा एग्जांपल है? नोटपैड, ड्रीमवेयर, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज, तीनों ही हमारे HTML एडिटर के एग्जाम्पल्स है, इसलिए आंसर है हमारा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कोड ऑफ HTML पेज। HTML पेज का करेक्ट कोड इनमें से कौन सा है? जब भी हम HTML के हेडिंग्स लिखते हैं, सबसे पहले हम HTML टैग लगाते हैं, हेड टैग लगाते हैं, टाइटल टैग्स लगाते हैं, टाइटल के बाद टाइटल को लिख के टाइटल टैग को क्लोज करते हैं, हेड को क्लोज करते हैं, लास्ट में हम HTML को क्लोज करते हैं। ये था हमारा सिक्वेंस HTML की कोडिंग लिखने का, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। विच एटीब्यूट्स इज नॉट सपोर्ट बाय ए बॉडी टैग। इनमें से कौन सा एटीब्यूट्स बॉडी टैग को सपोर्ट नहीं करता है? बीजी, कलर, टेक्स्ट और लिंक, तीनों ही बॉडी टैग के एट्रीब्यूट है, लेकिन साइज बॉडी टैग का एट्रीब्यूट्स नहीं है, इसलिए साइज आंसर यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, विच एटीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग स्पेसिफाई द कलर ऑफ विजिट लिंक इन ए डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट में जब हम विजिट्स करते हैं, वेब पेज में विजिट करते हैं, तो जब हम विजिट करने का जो हमारा यूज करते हैं बॉडी टैग में एट्रीब्यूट्स, वो हम वी लिंक एट्रीब्यूट्स को यूज करते हैं, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा, इन ए वेब पेज यू कैन प्लेस। वेब पेज को जब हम प्लेस करते हैं तो हम कौन सी हेडिंग्स का यूज करते हैं, कितनी हेडिंग्स हमारी होती हैं? इसमें हमारे एक HTML के पेज में 6 लेवल ऑफ हेडिंग्स, 6 हेडिंग्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML कंटेनर टैग्स डू यू अप्लाई टू टेक्स्ट फॉर फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट एज ए पैराग्राफ। HTML में कौन सा इनमें से कंटेनर टैग है जो हम पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग के लिए यूज करते हैं? सी ऑप्शन हमारा सही है। सबसे पहले हम पी टैग लगाते हैं, मैसेज लिखने के बाद, पैराग्राफ लिखने के बाद पी टैग को हम स्लैश पी की हेल्प से क्लोज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंटेनर एलिमेंट। इनमें से कौन सा कंटेनर एलिमेंट्स नहीं है? पी, बी और ओ एल, तीनों ही हमारे कंटेनर एलिमेंट्स होते हैं, कंटेनर टैग्स हैं, लेकिन एच आर हमारा एक एम्प्टी टैग है, इसलिए यहाँ पर एच आर आंसर हमारा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू मेक ए लिस्ट डैट लिस्ट द आइटम विद नंबर्स। इनमें से कौन सी लिस्ट के द्वारा हम एक नंबर लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं? आंसर हमारा ओ एल टैग, ओ एल टैग की हेल्प से हम नंबर लिस्ट को बना सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट HTML लिस्ट। इनमें से कौन सी हमारी HTML की लिस्ट नहीं है? ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट, तीनों ही हमारी HTML की लिस्ट होती है, लेकिन डिटेल लिस्ट HTML में नहीं होती, इसलिए डिटेल आंसर सही है। विच ऑप्शन डू यू हैव वाइल मेकिंग बुलेट लिस्ट। इनमें से बुलेट लिस्ट में हमारे कौन सा ऑप्शन होता है? डिस, सर्कल और स्क्वायर, तीनों ही ऑप्शन हमारे बुलेट लिस्ट में होते हैं, इसलिए हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट टाइप डैट विल क्रिएट ए बुलेट लिस्ट। इनमें से हम किस टाइप की हेल्प से बुलेट लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं? अनऑर्डर लिस्ट की हेल्प से हम बुलेट लिस्ट को एक क्रिएट कर सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट की हेल्प से हम नंबर लिस्ट को क्रिएट करते हैं, और डेफिनेशंस की हेल्प से हम डेफिनेशन लिस्ट को क्रिएट करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस ए सॉलिड सर्कल बुलेट व्हेन गिवन एज ए वैल्यू ऑफ टाइप विद यू एल टैग। यू एल टैग में हम क्या वैल्यू टाइप करें कि हमारा जो बुलेट लिस्ट आए वो सॉलिड फॉर्म में आए, इसके लिए हम डिस्क एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं, टाइप एट्रीब्यूट्स में डिस्क वैल्यू का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, क्रिएट स्क्वायर बुलेट लिस्ट यूज। एक स्क्वायर को हम बुलेट लिस्ट में करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? यू एल टैग का यूज करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट टैग का, यहाँ पर हम टाइप एट्रीब्यूट का यूज करेंगे और स्क्वायर वैल्यू का यूज करते हैं, जिससे कि हमारी जो लिस्ट आती है वो स्क्वायर लिस्ट आती है, स्क्वायर बुलेट लिस्ट। नेक्स्ट है हमारा, टू क्रिएट ए नंबर लिस्ट विद ए बी यूज। एक नंबर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए ए बी सी डी की अगर हमें चाहिए तो क्या यूज करते हैं? एक नंबर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम ओ एल टैग लगाते हैं, और इसमें हम टाइप एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं, और वैल्यू में हम कैपिटल ए देंगे क्योंकि हमें कैपिटल ए बी सी की लिस्ट नंबर लिस्ट चाहिए, इसीलिए हम कैपिटल ए को इन्वर्टेड कॉमा में देते हैं, यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा,
वी स्टार्ट ए लिस्ट विद नंबर थ्री वी शुड राइट। अगर हम एक लिस्ट को थ्री से स्टार्ट करना चाहते हैं, नंबर थ्री से भी, जिससे हमारा ए बी सी डी की हम काउंटिंग दे रहे हैं, हम सी से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम, क्योंकि नंबर लिस्ट दे रहे हैं, ओ एल टैग का यूज करेंगे। और यहाँ पर हम स्टार्ट में जो वैल्यू देंगे वो थ्री देंगे, क्योंकि हम जो लिस्ट चाह रहे हैं वो थ्री से स्टार्ट हो, इसलिए यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही है। ये थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एचटीएमएल टॉपिक्स में ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।